चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मेरे साथ अन्याय किया, मैं इसलिए बुजुर्ग और साथियों आप लोगों से अन्याय की अपील करता हूँ, लेट के नमस्कार करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। साथ अन्याय हुआ है, वो अन्याय मांग रहा हूँ आपसे। मैं उस टाइम भी बीजेपी से भी बनता, लेकिन मेरे भाग्य में उस टाइम नहीं थी और चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने उससे पहले मेरे को बुला लिया। अगर आपने मेरे को विधानसभा में भेजने का काम किया, मैं अपनी खाल बेच के भी आप लोगों की सेवा करूंगा। बोलता हल्का के 55 गांव से इतनी भारी तादाद में आज मैंने जिंदगी में पहली बार मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, माताओं तथा बहनों, इस बोलता हल्का की पावन धरा पे मैं आपको सबसे पहले लेट के नमस्कार करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। बुजुर्ग साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहता, दो बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आज भाई एक मिनट के बुजुर्ग साथियों, सिर्फ और सिर्फ दो बातें आपके बीच में कहना चाहता हूँ। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सुबह 10 से आप बैठे हो, मेरे को पता है गर्मी का मौसम है और क्या गर्मी में क्या क्या हालात होते हैं लोगों के। मेरे बुजुर्गो, बड़ौदा हल्का के सरदारों, मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो अन्याय मांग रहा हूँ आपसे। जो मेरे साथ अन्याय है 2020 में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मेरे को ये कहा था कि 2024 का इलेक्शन आपका होगा और वहां रोहतक में बैठ के फैसला हुआ, हमारे घर में बैठ के फैसला हुआ, लेकिन चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इसलिए बुजुर्ग और साथियों आप लोगों से अन्याय की अपील करता हूँ, न्याय की अपील करता हूँ बुजुर्ग और साथियों। और न्याय जो मिलेगा मेरे को, ये बड़ौदा हल्का की सरदारी अपने एक एक कीमती वोट आने वाले 5 को एक एक बटन दबा के निशान मिल जाएगा, अभी उसके सामने मेरे नाम के सामने एक एक मोहर लगाओगे। जब मेरी माता है बहने से मेरे साथी मेरे बुजुर्ग बूथ पे जाके जब वोट देने का काम करोगे, जब न्याय मिलेगा, नहीं तो कुछ न्याय नहीं मिलेगा। मेरी बड़ी इच्छा थी, हर राजनीतिक आदमी की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। मेरे ये तीसरा चुनाव है, 2014 में चुनाव लड़ा, 2019 का छोड़ दिया। हमारे माननीय श्री कृष्ण हुड्डा जी का सर्वास हो गया, बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में मेरे को चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने बुला के ये कहा था कि डॉक्टर कपूर सिंह आप हमारे पास आओ और आपको हम टिकट देने का काम करेंगे, चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। जबकि भूपेंद्र मलिक जिस मेहता जी का नाम ले रहा था, वो मेहता जी गवर्नमेंट के बहुत बड़े अधिकारी थे, प्रेस के अधिकारी थे। जितने भी बीजेपी के नेता किस किस के नाम लिखा हूं आपको, चौधरी रंजीत सोटाला से लेकर जेपी दलाल तक और सारे के सारे जितने अपने गौरव जी से लेकर भाटिया तक मेरे घर पे आए थे, मेरे को टिकट दे रहे थे। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं उस टाइम भी बीजेपी से भी बनता, लेकिन मेरे भाग्य में उस टाइम नहीं थी और चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने उससे पहले मेरे को बुला लिया। लेकिन उनका बड़ा नेता है, उनका मान सम्मान करने के लिए मैंने उनकी बात मान ली और उनकी जुबान पे बात मानी थी कि भाई अगला इलेक्शन आपको लड़ाएंगे। अब पता नहीं क्या चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा की मजबूरी थी या और कोई बात थी, मैं दोष तो नहीं दूंगा इतने बड़े आदमी को, लेकिन ये कहूंगा मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने मेरे साथ न्याय करना है। साथियों, मैं पिछले 25-30 साल से आपके
पूरे गोड्डा हल्का की एक एक गली एक एक गांव, मेरे को किसी भी गांव में जाता हूं, किसी के ये पूछ लिया जरूरत नहीं हो, 13 साल का कौन सा गांव है, पटवारी का कौन सा गांव है, ये तो फलाने का कितने फलाने का कितने, मैं सीधा उसी के घर जाता हूं, शादी हो दुख हो सुख हो वहीं जाता हूं। एक एक रोड का पता है कौन सा रोड खराब है, पूरे गोड्डा हल्का की एक एक दिक्कत का पता है कि क्या है। यहाँ हमारे गोड्डा से निकल के चले जाओ परमासा नाना धनाना, ये सारे फ्लड अफेक्टेड एरिया है। उधर ऊपर की साइड में चले जाओ सूखा राहत एरिया है। एक एक बात तो मैंने पता है किस किस मुसीबत में से ये गोड्डा हल्का जूझ रहा है। अगर बुजुर्गो साथियों, अगर आपने मेरे को विधानसभा में भेजने का काम किया, मैं अपनी